हेलो व्यूअर्स, आज हम दही का फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमको एक मटका चाहिए, इसके बाद में हमें दही चाहिए, पानी चाहिए, और ये दही को मिक्स करने के लिए एक मथनी चाहिए, या इस तरह से आप कुछ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 400-400 ग्राम के दो दही हैं। आप फ्रेश दही यूज करें तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो ये अमूल का भी दही आप यूज कर सकते हैं। ये हमने करीब 2.5 पैकेट ले लिया है, ये हमारा पूरा 1 केजी हो जाएगा। अब इस दही को हम प्लास्टिक के पॉट में डालेंगे। व्यूअर्स, अब 1 केजी दही हम इसमें डाल लिया। अब हम इसमें 2 लीटर पानी मिलाएंगे। अगर आपको बड़े पैमाने पर इसको यूज करना है, आप 2 लीटर दही ले लीजिए, 3-3.5 लीटर या 4 लीटर पानी भी मिला सकते हैं। जो बड़े किसान बंधु हैं, हम इसमें अभी 1 लीटर दही में 2 लीटर हमने पानी मिला लिया। अब आप इसको किसी मथनी के सहारे से इसको थोड़ा सा मिला लीजिए अच्छी तरह से। अब ये हमारा दही तैयार हो गया है। आपके पास कॉपर के टुकड़े हैं तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो कॉपर के कोई भी ग्लास हो या लोटा हो, बड़ा लोटा हो, छोटा लोटा हो, कोई भी आप ले लीजिए और इस दही के अंदर आप डाल दीजिए। तो देखिए, अब हम इस मटके में दही को धीरे धीरे डाल दे रहे हैं। अब हम इसको, इस छोटे लोटे को, कॉपर के लोटे को, कॉपर ही होना चाहिए, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब किसी कपड़े से इसके मुंह को अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि ये अंदर सेफ रहे और कोई अनवांटेड चीज़ इसके अंदर ना जाए। बांधने के बाद में इसको छाए में आप 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में हम इसको फर्टिलाइजर के तौर पे तैयार करेंगे और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के तौर पे भी तैयार करेंगे। कैसे करेंगे इसको डिटेल में, उस समय जब हम अपने गार्डन में इसको यूज करेंगे तब हम आपके साथ में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे और अपने गार्डन में अप्लाई भी करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से कुछ दही जो है तैयार हो गया है। ये जो दही है इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं और अन्य पोषक तत्व तो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको हम अपने गार्डन में पौधों के ऊपर अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे हमारे पौधे पूरे महीने तक हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं। और गर्मियों में तो ये बहुत ही पौधों के लिए ये पोषक तत्व से भरपूर है। अब हम इसको कीटनाशक के तौर पे व्यूअर्स यूज कर सकते हैं। कीटनाशक के लिए हम इसमें व्यूअर्स मिलाएंगे, ये मेथी का पेस्ट है और ये नीम ऑयल है। ये नीम ऑयल है, इफ्को का आजा पावर है, जो 1500 है। अच्छा स्ट्रॉन्ग ये नीम ऑयल है, शुद्ध नीम ऑयल। तो इसको हम क्यों ना ऐसा करें कि इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, अब हमारा ये 2-in-1 हो जाएगा। अगर हम इसको कीटनाशक के तौर पर तैयार करते हैं तो ये PGR का तो काम करेगा ही, साथ में ये कीटनाशक का भी काम करेगा भी। और ये हमारे लार्ज स्केल पे जो किसान भाई खेती करते हैं वो अपने फसलों में इसको यूज कर सकते हैं। प्रति एकड़ 1000 रुपये तक का बचत कर सकते हैं, ये सस्ता है। तो अगर पौधों को ज्यादा आपको हरा भरा रखना है तो 3 केजी दही में 3 केजी सेंधा नमक मिला करके उसको स्प्रे करिए तो आपके पौधे 1-1.5 महीने तक हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। और कीटनाशक के तौर पे इसको अकेले भी आप स्प्रे कर सकते हैं तो ये पौधों पर अच्छे असर करेंगे। व्यूअर्स, ये हर प्रकार के पौधों पर असरकारी है। जैसे कि लार्ज स्केल पर धान के खेती होता है, धान में, गेहूं में, मक्के में, केले में और सभी प्रकार की सब्जियां और फल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं व्यूअर्स। तो ये बहुत ही काम का चीज़, और दही हर घर में उपलब्ध है। गाय का शुद्ध दही हो तो बहुत ही अच्छा है, और मटके में ही रखना है छाए में 10 से लेकर 15 दिन तक। 10 दिन के बाद में आप यूज कर सकते हैं और 15 दिन हो तो और भी अच्छा, नहीं तो 12 दिन 14 दिन 10 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको अभी इसमें से निकाल लिया है। आप इसको आपके हर घर में जैसे मथनी होता है तो इसको थोड़ा सा मथनी से ऐसा मत लीजिए ताकि इसके अंदर जो दाने हैं दही के वो ख़त्म हो जाए। अब इसका मात्रा भी वर्ष, इसको हम 0.5 केजी से लेकर 1 केजी तक, ये हमारे पास 20 लीटर का पंप है, इसमें हम डाल सकते हैं। अगर छोटे छोटे पौधे हैं
तो उसमें आधा केजी पौन केजी तक डालिए, और अगर पौधे बड़े बड़े हैं तो आप उसमें एक केजी तक भी इसके मात्रा को रख सकते हैं। तो हम बीज का एक मात्रा ले लेंगे, हम करीब 600-700 ग्राम पर पंप हम इसको यूज करेंगे। तो ये व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर दो बार स्प्रे करेंगे, क्योंकि गार्डन में ज़्यादा पौधे हैं तो हम इसको एक बार में तो यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर दही के अंदर ये मिला दे रहे हैं हम, ये मेथी का जो पेस्ट है इसको अच्छी तरह से मिला लेना है इसी के अंदर, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप इसको मथनी से फिर जो है इसको मह लीजिए, तो ये मेथी का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें प्रति पंप 30 ml या 40 ml नीम ऑयल लेंगे, इसमें मार्कर है, ये 40 ml है, और हम इसमें 40 ml ले लेंगे क्योंकि हम दो बार में इसको पंप में भरेंगे। ये देखिए, और 40 ml हमने इसके अंदर डाल लिया। अब इसको हम फिर मथनी से थोड़ा सा मथ लेंगे कि ये चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये व्यूअर्स तैयार हो गया है, और ये हमारा डबल फायदा करेगा, ये PGR का भी काम करेगा यानी ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा, और हमारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। अब हम इसको ऐसा करेंगे कि इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि ये पंप में फंसे ना, पंप में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो पंप में फंस जाएगा तो बीच में रुक जाएगा, इसलिए इसको हम किसी कपड़े से अच्छी तरह से छान लेंगे। छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़े होल हैं तो उसमें ठोस पदार्थ कहीं चला ना जाए, इसलिए हम इसको कपड़े से ही छान लेते। करीब आधा पौन लीटर, आधा लीटर के करीब हम मात्रा रखेंगे पूरे 20 लीटर के लिए। अच्छी तरह से छान लिया, अब इसमें कोई भी ठोस पदार्थ, ये मेथी के पेस्ट के भी टुकड़े नहीं इसमें बचे हुए हैं। अब इसको हम 20 लीटर पानी में इसको डालेंगे, और 20 लीटर कैपेसिटी में ये देखिए हमने इसको डाल दिया है इस बकेट में। अब हम इसको किसी डंडे के सहारे से अच्छी तरह से हम इसको चला लेंगे। अब हम इसको पंप में डाल लेते हैं, पंप में भी जो है फिल्टर है, इसमें भी छन जाएगा डबल। इसी तरह से जिस तरह से हमने घोल तैयार करके डाला, ये सेकेंड टाइम बाकी मेरे गार्डन में आधे प्लांट्स को तो हम स्प्रे कर देंगे, बाकी बचे हुए जो हमारे पास हैं इसको भी हम इसी तरह से बाकी पौधों में स्प्रे कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने सारे पौधे में इसको स्प्रे कर देंगे व्यूअर्स। ये बहुत ही आराम से उपलब्ध होने वाला चीज़ है दही। आप लार्ज स्केल में खेती करें या छोटे स्केल में गार्डनिंग करें, ये आपके हर पौधे के लिए पोषक तत्व से भरा हुआ फर्टिलाइजर है, और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के भी तौर पे काम कर रहा है। तो आप इसको अपने पौधे में अवश्य दीजिए, और अपने पैदावार अपने फसल से ज़्यादा लीजिए, इससे कम से कम 20-25% जो है ना आपका पैदावार बढ़ जाएगा व्यूअर्स। तो ये मेरा वीडियो व्यूअर्स आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कोई कमेंट है, सुझाव है तो हमें कमेंट द्वारा बताइए। तो इसी तरह से हमारे से जुड़े रहिए, हम गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेजफुल वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।